और आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय में जश्न का माहौल है इस वक्त। चंडीगढ़ निगम चुनाव में मिली जीत का जश्न, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं और मना रहे हैं। जश्न मनाने के लिए ढोल और मिठाइयां मंगवाए गए हैं, और हो भी क्यों ना, आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी के पास, जो इस वक्त वहीं से मौजूद है। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लाजमी है जश्न का माहौल तो होगा, लेकिन क्या अब और टारगेट बड़ा होता है यहां से? कार्यकर्ताओं से बात करिए। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले एक नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता आए हुए हैं बात बिल्कुल गुलदस्ते हैं, और दूसरी तरफ ये ढोल आप बज रहे हैं लगातार, जब से ये जो रुझान है वो स्पष्ट हुए हैं और पता लगा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में लगातार यहाँ पर जो है लोग जश्न मना रहे हैं, और खुद आपने जो पूछा कि क्या है आगे का, खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरुण केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ये पंजाब चुनाव का संकेत है, कहीं ना कहीं इससे पंजाब चुनाव को लेकर उत्साह होता है। क्योंकि आप जान सकते हैं लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बताइए, चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, आप बताइए चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, आगे बड़ा लक्ष्य क्या है? जी मैं सुना नहीं, आगे क्या लक्ष्य है चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में बड़ी सफलता मिली है? देखिए, चंडीगढ़ की सफलता दर्शाती है कि पंजाब के लोग आंखें फैला करके इंतजार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है, और खाली पंजाब ही नहीं बल्कि देश की राजनीति करवट ले रही है, और अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का पूरे देश पर राजनीति चाहती है, और चाहती है कि वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली मॉडल की दिल्ली में है वो पूरे देश के अंदर हो। आप बताए कितने उत्साहित हैं जो पंजाब में चुनाव, नगर निगम के चुनाव ने आम आदमी पार्टी के उत्साह को काफी बढ़ा दिया है, और अब उनका कहना है कि पंजाब में इसका असर जरूर देखेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंडीगढ़ के चुनावों ने आम आदमी पार्टी की कामयाबी ने सबको चौंका कर तो जरूर रख दिया। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी इस पर बात होती रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।